बिहार में महागठबंधन वाली नई सरकार को बने 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार का नाता विवादों से जुड़ गया है। पहले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के शपथ ग्रहण को लेकर हंगामा हुआ, तो अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भाई और महागठबंधन सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव विवादों से घिर गए हैं। दरअसल लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री बने थे, उन्हें वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्री बनाया गया। तेज प्रताप ने उस दिन से ही अपने विभाग का कामकाज संभाल लिया था। इसके ठीक अगले दिन तेज प्रताप ने बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक और बैठक की, और इन सभी बैठकों में उनकी बहन और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार भी नजर आए। तेज प्रताप जब विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तब शैलेश कुमार वहीं बैठे थे। अब विभाग की बैठकों में शैलेश के बिना किसी सरकारी पद के आधिकारिक बैठक में आने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी से जुड़े नेता उस मीटिंग का फोटो ट्वीट कर आरजेडी और नीतीश सरकार पर सवाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस मीटिंग का फोटो नए वन पर्यावरण मंत्री बने तेज प्रताप यादव ने खुद ट्वीट किया था, हालांकि बाद में उनके ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, मगर बीजेपी नेता उसका स्क्रीनशॉट लेकर सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि मंत्री तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में ना ले, शैलेश कुमार राजद के सभी मंत्रियों से समझदार हैं, उनका आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप यादव सबसे अच्छे मंत्री साबित होंगे। आपको बता दें कि तस्वीर वायरल होने के बाद राजद प्रवक्ता शशि यादव ने तेज प्रताप यादव का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि शैलेश किसी काम से तेज प्रताप यादव से मिलने गए थे, इस दौरान वे अधिकारियों से मीटिंग कर रहे थे, इसलिए शैलेश कुमार को वहीं बैठकर इंतजार करने को कहा गया। शशि यादव ने आगे कहा कि किसी मंत्री के चैम्बर में जाना कोई गुनाह तो नहीं है। उन्होंने बताया, शैलेश ने किसी अधिकारी को कोई आदेश नहीं दिया। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट को लेकर विवाद जारी है। इसके अलावा बीजेपी ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल गबन और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कारतूस रखने के मामले पर घेरा है। बीजेपी राज्य में जंगल राज की वापसी के आरोप लगा रही है। इसके साथ साथ बिहार में राजद जेडीयू के सहयोग वाली सरकार के बनते ही आपराधिक मामले भी बढ़ गए हैं। पूरे राज्य में 24 घंटे में गोलीबारी के 5 नए मामले सामने आए हैं। बक्सर में पार्षद के बेटे को गोली मार दी गई है, तो वहीं रोहतास में गैस एजेंसी के मालिक पर भी फायरिंग की गई है। इसके अलावा पटना में एक छात्रा व एक जवान को गोली मार दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।